बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद व आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ सब बहन भाइयों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल तहरा आपी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि इस तरह कह लो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस आज की वीडियो में सब्ज़ा भी नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर सब्ज़ा नज़र आए तो दिल को कुछ सुकून भी मिलता है, और साथ में ये अमरूद के दरख्त हैं, ये भी अमरूद लगे हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा फल मज़े का नहीं है, काफ़ी ख़राब हैं अमरूद। लेकिन गुगलू बेटा मेरा कह रहा था मामा अमरूद खाने हैं, तो अमरूद के दरख्त पे इधर बाहर निकले हैं, इधर पौधा लगा हुआ था तो इस पौधे पे खाने के लिए आए हैं। मैंने कहा चलो मैं देख के देती हूँ, अगर कोई ठीक हो तो फिर तोड़ के दूँगी। तो आप चेक करते हैं कि कोई है या नहीं है, तोड़ के उसे देती हूँ। लगे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इस दफ़ा गर्मियों की वजह से या स्प्रे वगैरह या कुछ इस तरह की नहीं डाली, नहीं की तो ये सारे ख़राब हो गए हैं। इसमें सूंडियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं गर्मियों पर भी, ये साथ में ये मूंगा कह लो या मूंगी ये बाग में लगा हुआ है काफ़ी, ये भी प्यारा है। तो ये बाग भी सरसब्ज खेत और ये हरियाली बहुत ज़्यादा दिल को अच्छी लगती है, और आँखों को भी देख के कुछ काफ़ी सुकून मिलता है। मुझे हरियाली काफ़ी अच्छी लगती है, कि यहाँ अपने घर में तो नज़र आती नहीं, बाहर निकले तो तभी नज़र आती है। ये काफ़ी हरियाली हर तरफ ही है। ये अमरूद मैंने तोड़ लिए हैं, तो अब गुगलू बेटे को खाने के लिए देंगे। ये आम के दरख्त में इधर छुप के खड़ा है गुगलू बेटा मेरा, कि और लेने हैं। मैंने कहा बस करो, तो अब ये रेस्टोरेंट है इधर मैं कुछ चीज़ रोक के खाएंगे, अभी तो हम जा रहे हैं वापसी पे खाएंगे। जहाँ जाएंगे साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करेंगे। ये भी तो इंसान है जो इधर बैठे हैं, इनकी एक आज़ाद ज़िंदगी है। हाँ जी भाई, पराठा सालन नाल खाओगे क्या चार नाल? मैं तो कहना चार नाल ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ जी, भुप्पो अगे कह रहे थे, भुप्पो कहते भाई यार मक्खन दे दो ना, चार दे दो ते भाई खुश हो के नाल चार खा लेंगे। बाजारी चार मिलता, घर का मिलता नहीं, सही होता कि सालन नाल ही नाश्ता करना, सालन नाल ही सारा कुछ ही। घरों लै जाइए ना कोई चार डब्बा पर कोई लै के, तो उत्थे नाल जिहड़े बाकी मुंडे काम करते होंदे ने ते ओह भी ओह एक दो दिन च मुका के ते डब्बा खाली। सही है भाई, असीं फेरा वास्ते सुणियां दा फेरा पवाया होया करदा, के सारे ने फेरा दा पिछला बूटा पावे मेरे कोल पंज साल दा सच्चे तोल दे दे दो रखी जो हटदा ही नहीं। दो वारी आवा लिया ते मिट्टी कितों लाया मुंह ते 16 किलो दी बाल्टी भरी जिन्ना मर्जी लै दी।
कदी मैं लै जाना घरो कदी कोई दूसरा लै आंदा और रल के फिर कठी रोटी खा ली दी है। अगर सारा ना कोई पसंद आवे पके आते चलो चार नाल खा के गुजारा कर लो। मक्खन हो चार हो तो वैसे ही ज्यादा मजा आता। कोई नहीं अल्लाह ताला खैर हरियत करे थे ये भी बड़ी गल है जो माल डंगर थां रखे है तो चाहे दुध घर का हो जाता है लस्सी बंदा बना लैंदा घ्यो बना लैंदा बंदा असि हम दो ढाई किलो लैने तो बच्चे फीडर पींदे या आप चाह शाह पी ले दी और तो पता ही कोई नहीं चलता मुक जाता है कबीर तू भी करना इधर आ बेटा पसीना थोड़ा आया वेखा गर्मी दे विच मजा आंदा वे तुहानू तुसी बेगम सेवा की बना रहे हो सारे मैं ही खाने ने चलो फिर बना के ले आओ फिर खाइए बास भाई ते जवेद भाई पट्ठे लेके आ रहे ने ऐसे धक्का ला लिया करो थोड़ा जा रेडी ना तो तुसी ते सोठियां मार मार के उंजी लमसां पा दित्तियां ना कबीर तू की कर दे मज खोल ली जा मामू वास्ते पानी लेके आओ तू पानी तो पींदी कोई नहीं पी पानी तो पींदी कोई नहीं सुबह पानी ने पी लिया सी मेरा बेटा कबीर ते नानकियां दे आवे ते मजा नु खोल खोल के धक्के नाल ही पानी पिलाई जांदा है पानी पींदी है ते वेखी किधर थल्ले ना आ जाई मजा थल्ले ना आ जाई किधरे नहीं आता तो अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है बच्चों की पसंद की समीर बेटे की चीज़ उतने का मामा शाम हो गई है और कोई चीज़ ना बनाओ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आज
मटन वाले चावल बना लो। तो अब मैं वो बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये चूल्हे पे देसी वगैरह भी करा लिए, घी डाल लिए। पहले घी अच्छी तरह गर्म कर लूँगी, फिर इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज। घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐड करती हूँ मैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याजों का कलर मैं करूँगी हल्का गोल्डन ब्राउन। ये प्याजों का कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें मैं डालती हूँ टमाटर मिर्चें काटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टमाटर मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं, अब इनको भी नरम होने देती हूँ। और साथ ही डालती हूँ ये मसाले मैंने पहले निकाल के रखे हुए हैं, ये भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़ी देर मसालों को भी भून लूँगी इनकी बुनाई के बाद। साथ ही डालती हूँ थोड़ा सा पानी। पानी भी मैंने डाल दिया और ये गोश्त मैंने पहले उबाल के रखा हुआ है नरम करके। कुछ सालन बनाया था वो वाला है, कुछ वैसे नरम किया हुआ है, उबाला हुआ है। तो ये ही गोश्त डाल लूँगी। ये दूसरे चूल्हे पर मैं कर रही हूँ गोश्त। एक चूल्हे पर दूध गर्म कर रही हूँ और दूसरे चूल्हे पर ये मटन भी मसाले में मैंने डाल दिया नरम किया हुआ। ये फ्रिज में रखा हुआ था नरम करके, तो ये सारा भी इसमें बर्फ बन गई है, जो पिघला नहीं है। जिसकी भी नीचे जा रही थी। और साथ में मुझे चावल भी भिगो के मैंने अपने पास रख लिए हैं। ये मटन की बुनाई भी मैंने अच्छी तरह कर ली है, अब इसमें मैं डालती हूँ पानी। पानी भी मैंने जिस बर्तन से चावल मिने थे उससे मिन के रख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी उबलना शुरू होगा तो फिर इसमें मैं डालूँगी चावल। ये पानी पकना शुरू हो गया, अब इसमें मैं डालती हूँ चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज स्टैंड मेरा ख़राब हो गया है, ये हाथ में ही मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, इस वजह से इस तरह नहीं। चावल मैं बना रही हूँ ना, अभी देती हूँ। ये चावल मैंने डाल लिए हैं, अब पानी थोड़ा सा खुश करके फिर लगाऊंगी दम। ये चावलों में से पानी खुश्क हो चुका है, अब मैं लगाती हूँ दम। लेती हूँ चावलों को। ये चम्मच रखती हूँ साइड पे, इसमें तकरीबन अब 10 से 15 मिनट मैं दम पे रखूँगी, फिर बाद में चेक करूँगी। आँच हल्की कर दी है, बच्चों का दूध भी गर्म हो गया है, तो फिर बाद में चेक करते हैं 15 मिनट के बाद चावल। ये चावल तैयार हो चुके हैं बड़े प्यारे से, क्योंकि गोश्त मैंने मटन कम ही डाला था, क्योंकि समीर बेटा पहले कह रहा था कि मामा मटन वाले बनाओ, फिर कहता था मामा मेरी प्लेट में कोई बोटी वगैरह ना आए, तो इसलिए चावल मेरे तैयार हो चुके हैं, हम बैठ के बाद में खाते हैं फिर। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रब सुने दे हवाले, रब रखा।